कीमा भी रेडी हो गया है और ये हमारे फ्राइज थे ये भी हमने फ्राई कर लिए और ये हमने मटर भी बॉयल कर लिया। अब हम बर्गर में से रैप निकाल रहे हैं, रैपर कटिंग करके बर्गर को, ये इसको हमने कटिंग कर लिया है, पूरा नहीं करना है, ऑफ कटिंग किया है। अब इसमें सारी चीज़ें भरेंगे हम। ये इसमें हम मायोनीज डाल रहे हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा, सही है, इसमें हम डाल रहे हैं कीमा। इतने शानदार ये बर्गर बनते हैं, बर्गर टाकोस मैं आपको बता नहीं सकती। इतने टेस्टी बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, ये महाजरी मुझे भी हंसा रही है। नदी दे और क्या हो, अब ये बटर डाल रहे हैं, अभी इसमें एग डालेंगे और ऊपर डालेंगे हम इसके चिप्स। अब आपको अगर खाना है तो इस पर आप कैचअप वगैरह डालेंगे, अब डालेंगे हम कैचअप, सेम वही चीज़ें होती हैं जो उसमें कैचअप भी डालें ऊपर से ही लाइन डॉट, अच्छा लगेगा रेड। ये हम डाल रहे हैं चिली गार्लिक इसके ऊपर। वाओ ज़बरदस्त, ये हमारे बर्गर टाकोस बनके रेडी हो गए। कितने व्यूअर्स, आपको अरुशान महा का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़बरदस्त सी डिश लेकर आए हैं आपके लिए, यूनिक सी। आज हम बनाएंगे बर्गर टाकोस। ये हमने बर्गर ले लिए हैं ऐसे लंबे वाले, आप गोल भी ले सकती हैं। और चिकन कितनी है महा? आधा किलो। आधा किलो चिकन है और ये हमारे हैं आधा किलो पोटैटो, जो हमने ये हमने आधा किलो आलू लिए हैं और उसको महा ने वॉश करके इस तरीके से कद्दूकस कर लिया। दिखा दें हाथ से कद्दूकस, ये देखिए ऐसे इस तरह। और ये स्पाइसेस लिए हैं हमने, नमक है, कुटी हुई मिर्च है, चाट का मसाला और वो गरम मसाला है, और ये ज़ीरा है। ये आधा किलो चिकन है हमारी, तीन एग है हमारे, और टमाटर कितने लिए थे? आधा किलो। और ये आधा किलो हमने टमाटर लिए, और ये हमारा सोया सॉस है, और ये हमारे मटर है, मटर तकरीबन एक पाव। आप बताइए सर, कीमा निकालेंगी वहाँ पहले? हाँ, पहले मैं चिकन का कीमा निकालूंगी, इसके अंदर अदरक लहसुन स्पाइसेस डाल के सारे इसको और टमाटर इसको बॉईल कर लूँगी, फिर हल्का सा बिल्कुल लाइट सा इसमें ऑयल या घी जो भी डालना है आपको डालें, फिर उसके बाद ये बर्गर में भरना शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊँ और बाकी चीज़ें हम इसको और फिश चिप्स को हम फ्राई कर लेंगे, जो उनको हम फ्राई करेंगे पानी निकाल के, फिंगर चिप्स की तरह कड़क हो जाएंगे, इसको भी इसके अंदर रखेंगे और एग बॉईल करके एग को भी हम उसमें कश करके, एग भी कश करके रखेंगे, मटर भी बॉईल करके रखेंगे। ज़बरदस्त हमारे बर्गर टाकोस रेडी हो जाएंगे। चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके पास बहुत जल्दी आएगी। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा गला बैठा हुआ है आइसक्रीम खा खा के। ये देखिए चिकन का कीमा हमने निकाल लिया है, अब चल रहे हैं हम इसको रेडी करने के लिए। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, ग्राइंड कर लिया हुआ ये लहसुन अदरक डाल के इन्होंने इसको ग्राइंड कर लिया, कीमे को ऑयल ही डालेंगे, ज़रूरी नहीं है ज़रा सा, बस एक दो टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने चिकन का कीमा निकाल लिया था, थोड़ा सा ऑयल दो टेबल स्पून डाल दिया, ये माँ ने कश किया था टमाटर, ये भी ऐड कर दिए। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें लगे तो, ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए जो हमने आपको बताए थे। अब उसको ढक देंगे, हाँ कवर कर देंगे, अब उसको कवर करके रखेंगे, फिर हम आपको भूनेंगे जब उसको, फिर हम आपको दिखाते हैं। और कोई भी चीज़ इसमें इतनी एक्स्ट्रा नहीं डलती, बहुत जल्दी बनता है ये हमारा टाकोस बर्गर। ये भी थोड़ा सा हो जाएगा तो इसको मैशर से मैश कर लेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर उसको हम मैशर से मैश करेंगे। वहाँ उसको मिक्स कर रही हैं स्पाइसेस और कीमे को और टमाटर को। ये हमारा ये पानी ड्राई हो गया पूरा, बर्गर टाकोस का जो कीमा था वो खुश्क हो गया है, टमाटर भी खुश्क हो गए, स्पाइसेस भी मिक्स हो गए। अब महा इसको भून रही हैं, इसे देखें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा डाला था मैंने, हमने एक दो टेबल स्पून ऑयल डाला था, इसमें ऑयल नहीं डलता क्योंकि जब हो गए है ना। हाँ अभी थोड़ा सा रह गया, बस धुआं इतना ज़बरदस्त उठ रहा है, फिर उठा निकाल लेंगे सीमे में से चिकन के, ज़बरदस्त हो गया है, शानदार स्पाइसी। फिर वो और हमारे फ्राई करेंगे पोटैटो, हाँ पोटैटो भी फ्राई करते हैं, मटर बॉइल्ड खाने तुम लोगों को ये फ्राई, और ये हमारे एग भी बॉईल हो चुके हैं। डालो धनिया इसके अंदर, चलो नहीं तो नहीं ज़रूरत है क्योंकि ये तो नीचे आएगा, ये हमारा हो चुका है, महा धनिया डालो, महा गया नहीं धनिया की जरूरत नहीं, धनिया नहीं डालता नहीं क्योंकि ये सबसे फर्स्ट यही होता है ना। फिर चलिए हमारे ये कीमा भी रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त सब भून लिया है, एग हमारे बॉयल हो चुके थे, ये हमने एग बॉयल करके इसको हमने कश कर लिया था, घस लिया था कद्दूकश पे, एग हमारे रेडी हो गए हैं, इसको हमने कद्दूकश कर लिया था। ये हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है, भून लिया हमने ज़बरदस्त स्पाइसेस डाल के, ये हमारे एग भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे फिंगर चिप्स को फ्राई करने।
ये देखिए हमारे चिप्स फ्राई हो रहे हैं, हमने चिप्स ऑयल में डाल के इसको फ्राई करें, जो फिंगर चिप्स हमने कटिंग किए, बस जैसे ही ये रेडिश कड़क होते हैं हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम बनाएंगे अपने अपना टाकोज बर्गर। इस ज़बरदस्त से हमारे फिंगर फ्राइज रेडी हो रहे हैं। ये देखिए हमारे फ्राइज रेडी हो गए फिंगर, अब ये हमारे फ्राइज फिंगर रेडी हो गए, इसको हम निकाल रहे हैं। इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए हमारे एग भी बॉयल हो गए हैं, हमारे कीमा भी रेडी हो गया है, और ये हमारे फ्राइज थे ये भी हमने फ्राई कर लिए, और ये हमने मटर भी बॉयल कर लिया। अब हम बर्गर में से रैप निकाल रहे हैं, रैपर कटिंग करके बर्गर को, ये इसको हमने कटिंग कर लिया है, पूरा नहीं करना है, ऑफ कटिंग किया है। अब इसमें सारी चीज़ें भरेंगे हम। ये इसमें हम मायोनीज डाल रहे हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा, सही है, इसमें हम डाल रहे हैं कीमा। इतने शानदार ये बर्गर बनते हैं, बर्गर टाकोस मैं आपको बता नहीं सकती। इतने टेस्टी बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, ये महाजरी मुझे भी हंसा रही हैं। नदी दे और क्या हो तुम। अभी बटर डाल रहे हैं, अभी इसमें एग डालेंगे, और ऊपर डालेंगे हम इसके चिप्स। अब आपको अगर खाना है तो इस पर आप केचप वगैरह डालेंगे। अब डालेंगे हम केचप, सेम वही चीज़ें होती हैं जो उसमें डालें। केचप भी डालें ऊपर से ही, लाइन डॉट अच्छा लगेगा रेड। ये हम डाल रहे हैं चिली गार्लिक इसके ऊपर। वाओ ज़बरदस्त, ये हमारे बर्गर टाकोज बनके रेडी हो गए। कितने शानदार इसका कलर आया है, हम लोग के मुंह में पानी आ रहा है मेरे और माँ के। ज़बरदस्त बने, खाएं, इंजॉय करें, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए यमी यमी टेस्टी, कितने ज़बरदस्त ये बर्गर टाकोज बने हमारे। ये माँ का आइडिया था, ये माँ के जहन में आया था, हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी। अब माहौ में चलते हैं गरम गरम कॉफ़ी के साथ इसको खाने के लिए। अब आप भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।